गाय का मूत्र कॉटन के कपड़े में, सूती कपड़े में 7 बार छान करके, और उसमें 500 ml गोमूत्र, 500 ग्राम उसमें हनी मिला दिया करते और हर रोगी को दिया करते। और मैंने देखा रोगियों को उससे लाभ होता था, कैंसर से लेकर के, चाहे पेट के रोगी हों, माताएं बहनें माहवारी की रोगी हों, इनफर्टिलिटी के रोगी हों, चर्म रोग हों, किसी को हार्ट की बीमारी हो, सब में उस फायदा होता था। खैर मेरे तो ये प्रयोग किया है, अद्भुत। गोधन अर्क, गोधन अर्क और नीम की गोली खाली पेट खिला देते हैं, और उसके साथ में स्किन प्रॉब्लम होने पर सामान्य रूप से कायकल्प वटी या आरोग्य वटी, जिसमें नीम है, जिसके अंदर गिलोय है, तुलसी है, बहुत साधारण सी चीज़ें, लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ें हैं ये। सामान्य में कायकल्प वटी, आरोग्य वटी, बाकी डर्माग्रिट सामान्य प्रॉब्लम है, डर्मोटोलॉजिस्ट के पास में जाने की जरूरत नहीं, डर्माग्रिट खा लो। फिर जिनको सोराइसिस है उनको सोरोग्रिट, जिनको सफेद दाग है उनको मिलिनोग्रिट वटी लेप, कायकल्प लेप भी लगाते हैं सामान्यतः चर्म रोगों में। और कायकल्प क्वाथ, सर्वकल्प क्वाथ, उससे बस्ती भी करते हैं और उसी से हवन भी कराते हैं। अब देखो ये हवन, ये भी आयुर्वेद का विधान है, महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी वाग्भट्ट सुश्रुत का, जिस औषधि से हम बस्ती लेते, जिस औषधि का हम अनुपान करते, जिस औषधि का हम क्वाथ पीते हैं, जिस औषधि से हम चूर्ण वटी घनवटी उसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके और उसको अलग अलग बीमारियों में प्रयोग लाते हो, उसी से हवन करो तो आपको अतिशय लाभ होता है। खैर तो चर्म रोगों में गोधन अर्क नीम घनवटी के साथ, लीवर की समस्याओं में लिवोग्रिट के साथ, हार्ट और कोलेस्ट्रोल की समस्या में लौकी घनवटी या लिपिडोम या हृदयामृत के साथ, कॉन्स्टिपेशन में ट्राई घनवटी के साथ, बवासीर में अर्षकल्प, या अब तो एक नई औषधि भी बना दी, अभी उपलब्ध होने में थोड़ी देरी है, जनवरी के अंत तक शायद सबको मिल जाएगी, अर्षोग्रिट। जिनको इनफर्टिलिटी है, वो खाली पेटी 1 से 2 गोली संतति सुधा ले ले गोधन अर्क के साथ। गौ माता की सेवा करके, गौ माता का दर्शन करके, गोधन अर्क पी के, गाय का दूध, गाय का घी फलघृत, उससे उसकी फलश्रुति है फलघृत की, कि उससे निसंतानों को संतान की प्राप्ति हो जाती है।